यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जीवन सार गीता के आज के एपिसोड में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि आज जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बुद्धि स्थिर हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही अपने हर कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई युवान हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो। हर कोई चाहता है कि हम अपने कार्य को कुशलता से कर सके, और कुशलता से कार्य करने के लिए बुद्धि का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ना हम आज स्थिर बुद्धि के लिए ही चर्चा करें। तो आइए, आज हमारे साथ फिर से उपस्थित है शिवमणि बहन। तो ब्रह्मा कुमारी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज तक हम जानते आए हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब ये बुद्धि को स्थिर करना ही है हमें। हम जानते भी है कि अगर यदि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो इसके हमें बहुत सारे फायदे हैं, और श्रीमद् भगवद् गीता एक अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि स्थिर बुद्धि कैसे बनाएं। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अपनी बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अभी ये जो आसक्ति है, आसक्ति मनुष्य के बुद्धि को कहाँ कहाँ ले जाती है, इसके बारे में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हुए हमें ये बता चुके हैं कि अगर आसक्ति है तो उस व्यक्ति में, व्यक्ति के मन के अंदर डर होता है, राग होता है, और उसके अंदर द्वेष भी होता है। अगर हमारे इंद्रिय आसक्ति के पीछे भाग रहे हैं तो कभी भी हम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बुद्धि को स्थिर करने के लिए जो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे थे, अर्जुन यहाँ परमात्मा से प्रश्न कर रहे थे कि मेरा मन स्थिर हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक अर्जुन की बात नहीं है, आज दुनिया में जितने भी लोगों को हम देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का बुद्धि या मन भटक रहा है। तो भटकते हुए मन को फिर से हम स्थिर करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि को स्थिर करेंगे तभी शांति का अनुभव होगा। इसीलिए अभी परमात्मा हमें ये भी समझा चुके हैं, अगर बुद्धि को स्थिर करोगे तब परमात्मा की साक्षात्कार होगी। तो बुद्धि को स्थिर करेंगे हमें तभी हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी हमें परमात्मा ही बता सकते। बिल्कुल। तो यहाँ गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्ये युक्ता आसित मत्पराः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सामूहिक चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ पर सुंदर रूप से परमात्मा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा को पाने की इच्छा है तो इंद्रियों को वश में रख करके, संपूर्ण इंद्रियों को वश में रख करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़ देना चाहिए, लगाना चाहिए। ध्यान करेंगे, योग जोड़ेंगे तो अपने आप बुद्धि स्थिर हो जाती है। बिल्कुल। पर ये भी बात आ जाती है कि समझता हर कोई है कि मुझे बुद्धि को स्थिर करना है, ध्यान करना है, पर जब वो ध्यान की अवस्था में बैठता भी है तो न चाहते हुए भी उसे ऐसे विचार आते हैं जो उसके मन और बुद्धि को विचलित कर देते हैं। वो चाहता है कि वो अपने कार्यों को पूरी तरह से प्रामाणिकता से कर सके, उसमें ही पूरी बुद्धि स्थिर हो ताकि उसका उसे रिजल्ट और अच्छा मिल सके, परिणाम फायदा कर सके।
पर वो चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। उसके मन में ऐसे दुविधा पूर्वक विचार आ जाते हैं जो उसके मन को झंझोड़ कर रखते हैं और बुद्धि को एकजुट नहीं होने देते हैं, बुद्धि को इधर उधर भटकाते रहते हैं। पहले बार जब व्यक्ति प्रयास करने जाता है कुछ नया करने के लिए, तो बुद्धि जरूर भटकती है। ऐसे ही जो ध्यान या योग कहते हैं, योग करने बैठेंगे तो अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, आज हम पहली बार बैठे हैं तो बुद्धि भटकती है, और कल हम फिर से प्रयास करेंगे तब भी बुद्धि भटकती है। 2-3 दिन प्रयास करके कुछ लोग कहते हैं मेरे से योग नहीं होगा। भगवान को याद करना उतना सहज नहीं है, वो तो गृहस्थियों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए भी बैठेंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती भटकती ही है। रहती है, भगवान की याद में बुद्धि स्थिर नहीं हो हाँ, पाती है। इससे तो अच्छा है उठ के जाए, ऐसे सोच के बिल्कुल। वो याद करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन परिश्रम के बिना कुछ भी यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। अगर हमारे बुद्धि को हमें स्थिर बनाना है, अगर एक बार बुद्धि स्थिर बन जाएगी तो जिंदगी भर हम शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारा मन जो भटक रहा है उसको परमात्मा की याद में एकाग्र करने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ये जो चंचल इंद्रिय है, मन है चंचल मन, हमें वहां यहाँ तो ले ही जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? तो हमारे मन को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? या तो उस तरफ भटकने भी दे सकते हैं, या तो परमात्मा में एकाग्र भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे पास हर कार्य के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या ऐसे करें या हाँ, न करें। ऐसे ही यहाँ पर परमात्मा को याद करके हम कैसे परमात्मा को पाकर अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, इसके लिए एक एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक बार एक गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, तो गांव में जितने लोग थे सब गुरुजी से मिलने आए, प्रवचन सुन रहे हैं। सभी को बहुत अच्छा लगा प्रवचन, तो सभी रोज आने लगे। एक 10 दिन के अंदर पूरे गांव में फैल गया कि हमारे गांव में ऐसे गुरुजी आए हैं जो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। पूरा गांव वहां आकर बैठ रहा है। उस गांव में एक ऐसा डाकू था, वो जो डाकू था वो 10 दिन नहीं आया था प्रवचन सुनने। पूरा के पूरा, हाँ क्योंकि वहां पे गांव जाकर बैठ रहा था हाँ तो डाकू को भी संकल्प आया। हाँ कि जब सब लोग वहां जाकर बैठ रहे थे तो डाकू को भी संकल्प आया, मैं भी एक दिन जाकर बैठू। वो भी जाकर बैठता है, प्रवचन सुनता है, उसको भी प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। उस दिन वो गुरुजी एक अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं 2 दिन के बाद अमरनाथ जा रहा हूँ, अमरनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी मेरे साथ आने की इच्छा है तो आप भी यात्रा में भाग ले सकते हो। जब वो कहते हैं यात्रा पर आप भी आ सकते हो, तो वहां जितने लोग बैठे थे सब कहते हैं हम आएंगे हम आएंगे, ऐसे सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सब हाँ बोल के सभी को गुरुजी बोलते हैं आप भी आ सकते हो आप भी आ सकते हो। जब सब तैयार हो गए, दूसरे दिन डाकू को भी संकल्प आया और उसने उस गुरुजी से कहा कि मैं भी आपके साथ में अमरनाथ आना चाहता हाँ, हूँ। तो वो दूसरा दिन आकर कहता है मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं सबके लिए हाँ बोला है तो तुम्हारे लिए भी हाँ है, तुम भी आ सकते हो। जब सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि डाकू भी हमारे साथ आ रहा है, तो सभी लोग गुरुजी को कहते हैं डाकू को लेके मत आइए, अगर वो कहीं चोरी करेगा तो हम सबको दिक्कत होगी, इसीलिए उनको आने के लिए मना कीजिए। तब गुरुजी कहते हैं मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता, सबके लिए हाँ बोला हूं तो उसके लिए भी हाँ ही है। तो जब वो हाँ है बोलते हैं तो गुरुजी को सब लोग कहते हैं अगर आप डाकू को ले जाएंगे तो हमारे में से कोई नहीं आएगा। तो गुरुजी कहते हैं आपकी मर्जी, आना है तो आइए, नहीं आना है तो छोड़िए, मैं एक को भी ये नहीं कहूंगा कि आप आओ, और किसी को ये भी नहीं कहूंगा कि आप मत आओ, बिल्कुल। जिसको जिसका आने का मन है वो स्वतः आ सकता है, ऐसे गुरुजी कह देते हैं। फिर सभी लोग सोचते हैं अभी छोड़ेंगे तो फिर ऐसा फिर दोबारा अवसर मौका तो नहीं मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा, अवसर तो मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसे सोच के सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यात्रा प्रारंभ भी होती है, लेकिन सबका कंसंट्रेशन उस डाकू पर। मना जिसके लिए जा रहे हैं हाँ भगवान की यात्रा पर जा रहे हैं, तो बुद्धि उसकी तरफ होने की जगह जो डाकू साथ में है, ये भय कि अगर उसने चोरी कर ली हाँ तो उस भय के साथ जा रहे हैं, इसलिए वही मन में विचार सब उत्पन्न है।
उसी डाकू को देख रहे हैं, कहीं मेरा चीज वो चोरी ना कर ले। ऐसे सोचते सोचते यात्रा पर जा रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे थे, ये गुरुजी को थोड़ा भी पता नहीं है क्या ऐसे लोग को, ऐसे डाकू को साथ में लेकर आए हैं जिसके कारण हमारा हानि भी हो सकती है। ऐसे सोचते एक दिन रात हो गई तो सब धर्मशाला में रुक गए। जब सोए है धर्मशाला में, सब सोए है, सब क्या के सब क्या कर रहे थे कि उनके पास जो जेवर थी या पैसे थे, जो भी जेवर पैसे उनके पास थे, जो कुछ भी चीजें थी, कहीं वो डाकू चोरी करके भाग के ना जाए, ऐसे सोच के सब उसको सेफ्टी में रखने के लिए अपने सिर के नीचे ही रख के सो जाते हैं। तो सुबह उठते हैं तो किसी के एक का भी पैसा वहां पर नहीं, सभी के पैसे और जेवर गायब हो जाते हैं वहां से, वहां के पैसे जेवर सब गायब हो गए हैं। तो तुरंत गुरु के पास जाकर कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, हमने पहले ही आपको बोला था डाकू को मत ले आई, आप तो लेके आए, देखिए हमारा सब सामान चोरी हो गया। तो गुरुजी डाकू को बुलाते हैं, डाकू आता है, प्रश्न करते हैं इन सब का चीजें कहाँ गई। तो डाकू बोलता है मेरा तो वृत्ति ही चोरी करने का है, रात को ये सब सो गए, मैं क्या करूं, मेरे को अकेले में नींद भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इन सब का सामान यहाँ से उठाकर कहीं और रख दूं, तो मेरा टाइम पास हो जाएगा सुबह तक। ऐसे सोच के वो जो रखा था सब चीजें वापस ले आकर देता है। तो गुरुजी बोलते हैं अगर तुमको कोई ना कोई चीज उठाने की इतनी आदत पड़ गई है तो आज से तुम वो भी काम नहीं करोगे, तुम यात्रा पर जा रहे हो। तो वो बोलता है मुझे रात को नींद ही नहीं आती है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी बोलते हैं आज से एक मंत्र देता हूं तुम्हें, ओम नमः शिवाय, अब से यही मंत्र जपना शुरू करो, रात दिन इसी मंत्र को तुम्हें जपना है, रात को अगर नींद नहीं आ रही है तो मंत्र जाप करो, ऐसे बोलते हैं। तो वो डाकू हाँ बोल देता है, तो वो मंत्र जापना शुरू करता है पूरा दिन, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, रात होती है तो भी बैठ के ओम नमः शिवाय कह रहा है। उस दिन रात भी, जो अगले दिन की रात थी, तब भी सभी लोग सोच रहे हैं आज भी ये हमारा सामान चोरी कर लेगा, तो सभी उसकी सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन वो बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर रहा था। ऐसे ही वो अमरनाथ भी आ गए, सभी अमरनाथ तक पहुंच गए, पहुंचते पहुंचते रात हो गया था, तो तब भी सोचते हैं आज अभी गुरु जी बोलते हैं अभी रात हो गई है, सभी लोग हम धर्मशाला में रुकते हैं, कल सुबह अमरनाथ की दर्शन करेंगे, ऐसे कहकर सब सो जाते हैं। ये वहां से यहाँ तक आ रहा था सिर्फ एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस मंत्र में वो डाकू इतना मग्न हो जाता है, रात को उसको स्वयं अमरेश्वर परमात्मा ही दर्शन देते हैं। जब अमरनाथ परमात्मा उसके आगे आकर कहते हैं तू जिसकी महिमा कर रहा था, जिसकी मंत्र जाप रहा था, वही वही परमात्मा में हूँ। जब वो कहते हैं वही परमात्मा में हूँ, तो इस डाकू को तो कुछ भी पता नहीं परमात्मा कौन है, कैसे है, क्या है। तो वो कहता है परमात्मा से आप थोड़ा रुको, मैं मेरे गुरुजी को बुलाता हूँ, आप कौन हो मुझे पता नहीं पड़ रहा है। ऐसे कह के वो डाकू जाता है, गुरुजी को उठाता है और कहता है कोई अमरनाथ आया है, आप थोड़ा आके देखो। तो गुरुजी उनके साथ आकर देखते हैं तो वहां पर स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो रहा था। तो गुरुजी इतना खुश हो गए, उस खुशी में गुरुजी परमात्मा को हाथ जोड़ने के साथ साथ वो जो डाकू था उसको उसके भी पैर छू लेते हैं। माने जो सिखाने वाले गुरुजी थे और व्यक्ति जो उसे आचरण में लाना चाहता था परंतु अपने संस्कारों के कारण वो नहीं ला पा रहा था, पर जो गुरुजी ने उसे दिशा बताई कि आप इस मंत्र का जाप निरंतर करो तो आपका जो मन चोरी में जा रहा है वृत्ति आपकी परिवर्तित होने लगेगी, उसने इतना दिल से स्वीकार कर लिया कि स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो गया, स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार उस डाकू को हो गया, जिस कारण गुरुजी को भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो गुरु उस डाकू को ही अपना गुरु मानने लगे। तो जितने भी लोग आए थे अच्छे लोग परमात्मा का दर्शन करने के लिए, लेकिन आते समय से लेकर उनकी यात्रा के अंत की घड़ी तक सब सिर्फ उस डाकू का चिंतन कर रहे थे। लेकिन वो एक जो डाकू आया था वो अपनी वृत्ति को भी छोड़कर भगवान परमात्मा की याद में इतना मग्न हो गया कि उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें परमात्मा यही विचार दे रहे हैं कि तुम्हें अपने इंद्रियों को बाहर से दूर करके, अर्थात जो आसक्ति है बाहरी दुनिया का,
उन आसक्तियों से मन को हटाकर एकाग्र होकर बैठ जाओ मेरी याद में। जब तुम एकाग्र होकर मुझे ध्यान करोगे तो तुम मेरे को पालोगे, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जैसे पहला दिन डाकू का मन चंचल हो रहा था, कुछ चोरी करो, लेकिन दूसरा दिन जब वो परमात्मा की याद में मग्न हो गया, वही प्रयास करता रहा बार बार, तो परमात्मा भी मजबूर हो गए उनको दर्शन देने में। बिल्कुल, माना जो प्रयास व्यक्ति करता है उसमें उसे थोड़ा धैर्य जरूर रखना पड़ता है, परंतु सच्चे दिल और निष्ठा से भी भगवान को हम इतनी याद में मगन हो जाते हैं तो भगवान भी वो हमारी कामना पूर्ण कर देता है। यहाँ पर ये चीज़ हमने ज़रूर नोट की कि वो डाकू था, पहले चीज़ों को अपने पास एकत्रित करना चाहता था, पर जैसे ही उसे सही दिशा मिली, उस दिशा में वो बढ़ने लगे आगे, भगवान को सच्चे दिल से याद करने लगे। अभी उनकी इच्छाएं जो है बदल चुकी थी, पहले चोरी करके वस्तु लेना, अभी भगवान को प्राप्त करना, उनके साक्षात दर्शन करना, ये उनकी इच्छा हो चुकी थी, तो वो कितने सहजता से उन्होंने उसको पार भी कर लिया। तो बाद में उस डाकू का मन ही परिवर्तन हो जाता है। जब पहले जो डाकू था, बाद में वो एक सात्विक पुरुष बन जाता है। उनका मन एकाग्र हो जाती है, उनका बुद्धि स्थिर हो जाती है। उनका मन यहाँ पर एकाग्र भी हो जाता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। तो जो बुद्धि स्थिर हो गई तो बाद में उसको कुछ पाने का है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चीज तो वो पा चुका है। तो कैसे भी व्यक्ति हो, कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमको भी इच्छा है बुरा कर्म नहीं करनी चाहिए, मेरे को भी इच्छा है कि हम बुरा कर्म ना करें। ऐसे सोचने के बाद भी व्यक्ति मजबूर होके बुरा कर्म कर लेता है। जैसे वो डाकू बुरे कर्म के लिए मजबूर था, हमें भी अपने संस्कारों को अपने अधीन करना पड़ेगा कि हम बुरा कर्म न करें। तो जैसे उस डाकू ने भगवान को याद करने का अभ्यास शुरू किया, तो हम भी नहीं कर सकते? यहाँ पर उसने एक ही परिवर्तन कर लिया अपने मन में। पहले उनके विचार जो चल रहे थे वो थे सिर्फ मुझे चोरी करना है। लेकिन अभी उनका विचार बदल गया कि मुझे भगवान को याद करना, मुझे परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है। जो संकल्प चेंज हो गया, बुद्धि परमात्मा में एकाग्र हो गई, तो बुद्धि स्थिर हो गई। तो सिर्फ हमें भी क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, संकल्पों का परिवर्तन। पहले चीजों को याद करते थे, लोगों को याद करते थे, अभी उसको छोड़ के सिर्फ परमात्मा को याद करना है। इतनी सुंदर बात हमें समझ में आ रही है कि हमें परमात्मा से क्या क्या प्राप्ति भी होती है, वो भी हम समझ चुके हैं। सिर्फ परमात्मा को पाने के बाद सिर्फ उनका दर्शन नहीं होता है, यहाँ पर दर्शन के साथ साथ परमात्मा में जितनी शक्ति है, जितनी गुण है, जितनी प्राप्तियां हैं, वो सब हम अपने अपने अंदर धारण कर सकते हैं, स्वयं में उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी इससे। बिल्कुल सही बात की बहन जी आपने, कि आज दिन तक हम सोच रहे थे कि हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, क्योंकि हमने प्रयास ही नहीं किया था, जो संस्कारों के हम अधीन थे उसके ही अधीन होते जा रहे थे। यहाँ जो संस्कारों के अधीन होते जा रहे थे, ये भौतिक जगत के आकर्षण के कारण। आज व्यक्ति बार बार कहता है मेरे से नहीं होगा। हम पहले से ही संकल्प करते हैं मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा कहेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता। तो चेंज किसको होना है, दूसरों को नहीं, मुझे ही चेंज होना है। वो परिवर्तन मुझे अपने अंदर लाना ही है, तभी हम सर्व प्राप्ति से संपन्न बन सकते हैं। इसके बारे में सुंदर रूप से गीता में परमात्मा कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसित मत्पराः, अर्थात साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके वो परमात्मा के ध्यान में बैठ गया, तो इंद्रियों को वश करने के कारण उनका बुद्धि परमात्मा की याद में स्थिर हो जाते हैं। बिल्कुल, उनकी बुद्धि भी परमात्मा की याद में स्थिर हो जाती है, और हमें भी इस परमात्मा की याद के लिए स्थिर बुद्धि की राह बताने के लिए आपको बहुत आभार। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि जो बुद्धि हमारी विचलित थी, जो हम संस्कारों के वश थे, हम यही सोच रहे थे कि मैं संस्कारों के अधीन हूँ, मैं परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु यदि सच्चे दिल से हम भगवान को याद करें तो हमें वो शक्ति भी मिलेगी परिवर्तन होने की, और ये परिवर्तन की शक्ति हमें जीवन की कई मुश्किलों से लड़ने का तो सामर्थ्य देगी ही,
साथ ही साथ हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो इसी शुभ भावना के साथ में, इसी शुभकामना के साथ में कि आप अपनी ज़िंदगी में यूं ही प्रगति करते रहे और आगे बढ़ते रहे, मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपसे विदाई लेती हूं। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्था।